तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि क्वेन चैन पिल पवेलियन में एक जगह पर बैठा सोच रहा होता है कि वह अभी बस सेवेंथ टायर के ही पिल रिफाइन कर सकता है, पर वनरेबल रैलम पर पहुंचने के लिए उसे सेवेंथ टायर से ऊपर के पिल की जरूरत है। तो वह पिल्स बनाने में उसे जुओ क्वेन फैंग की मदद लेनी होगी। तभी उस जगह पर मास्टर जुओ क्वेन फैंग भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि मास्टर क्वेन चैन, आपने इस जगह पर मुझे जो टेक्निक दी है वह सच में कमाल की है, और उसका यूज करने से इस जगह पर मेरी पावर काफी तेजी से बढ़ रही है। क्वेन चैन बोलता है वह बस एक मामूली सी टेक्निक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तभी जुओ क्वेन फैंग बोलता है, मास्टर आपको यह नहीं पता है कि नॉर्थन हेवेनली डोमेन में बस एक छोटी सी गलती करने की वजह से मुझे उस जगह से निकाल दिया गया था, पर मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि अगर मैं सेवेंथ लेवल का अल्केमिस्ट बन जाऊं तो वह मुझे नॉर्थन डोमेन में वापस ले लेंगे, और वह पिछले कई सालों से यह करने की कोशिश कर रहा है, पर अपने वीक मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। पर इस जगह पर क्वेन चैन ने उसे वह टेक्निक देकर उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है, और उस टेक्निक की मदद से वह जल्द मार्शल किंग रैलम पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद वह काफी आसानी से सेवेंथ लेवल का अल्केमिस्ट भी बन सकता है। तभी क्वेन चैन आगे बढ़ता हुआ बोलता है, वैसे आपने उस जगह पर ऐसी कौन सी गलती की थी जिस वजह से आपको नॉर्थन डोमेन से बाहर निकाल दिया गया? तभी जुओ क्वेन फैंग बोलता है, मास्टर चैन क्या आपको मिस्टी प्लेस के बारे में पता है? उस दिन मेरी मिस्टी प्लेस के एक एल्डर के डिसाइपल से बहस हो गई थी, जिस वजह से मिस्टी प्लेस पिल पवेलियन से ऑफेंड हो गया था, और उस दिन मेरे टीचर ने पिल पवेलियन को मिस्टी प्लेस के गुस्से से बचाने के लिए मुझे नॉर्थन डोमेन से बाहर निकाल दिया। तभी क्वेन चैन बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है नॉर्थन डोमेन में पिल पवेलियन काफी ज्यादा पावरफुल है, तो आखिर वह मिस्टी पैलेस से क्यों डर गया? तभी जुओ क्वेन फैंग क्वेन चैन को बताता है कि मिस्टी पैलेस नॉर्थन डोमेन की एक सुप्रीम पावर है, जिसके सामने पिल पवेलियन कुछ भी नहीं। यह सुनते ही क्वेन चैन बोलता है, इसका मतलब सांगुआन मिस्टी पैलेस का लीडर है, और इसी वजह से आज के टाइम पर मिस्टी प्लेस इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। जिसके बाद क्वेन चैन जुओ क्वेन फैंग को एक रिफाइनिंग रूम तैयार करने के लिए बोलता है, जिस जगह पर क्वेन चैन अपने लिए पिल रिफाइन कर सके। तभी जुओ क्वेन फैंग बोलता है, मास्टर आप मेरे पिल रिफाइनिंग रूम में पिल्स बना सकते हो, और मेरा पिल रिफाइनिंग रूम इंपीरियल सिटी का बेस्ट पिल रिफाइनिंग रूम है। अब क्वेन चैन उसे कुछ मटेरियल्स भी कलेक्ट करने के लिए बोलता है। जुओ क्वेन फैंग इसके लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह क्वेन चैन को लेकर अपने पिल रिफाइनिंग रूम में आता है। अब जुओ क्वेन फैंग क्वेन चैन को वह सभी मटेरियल्स देता हुआ बोलता है, तो आप इस जगह पर किस फॉर्मेशन का यूज करेंगे? क्वेन चैन बोलता है, बेसिक पिल फॉर्मेशन का। और अब क्वेन चैन आगे बढ़कर पिल रिफाइन करना स्टार्ट करता है। वहीं क्वेन चैन की रिफाइनिंग टेक्निक को देखकर जुओ क्वेन फैंग काफी हैरान होता है, क्योंकि क्वेन चैन उस जगह पर लेजेंडरी रिफाइनिंग टेक्निक का यूज कर रहा होता है। अब क्वेन चैन की रिफाइनिंग टेक्निक को देखकर जुओ क्वेन फैंग काफी हैरान होता है और सोचने लगता है कि मास्टर क्वेन चैन के पास इस जगह पर काफी सारी टेक्निक्स है, पर इस पिल को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, तो अब वह क्या करेंगे? उसी वक्त क्वेन चैन अपने मेंटल स्ट्रेंथ की पावर का यूज करता है, और अब क्वेन चैन की मेंटल स्ट्रेंथ को देखकर जुओ क्वेन फैंग के होश उड़ जाते हैं। तभी क्वेन चैन जुओ क्वेन फैंग को भी फॉर्मेशन संभालने को बोलता है, और अब जुओ क्वेन फैंग भी क्वेन चैन के साथ मिलकर उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने लगता है। वहीं क्वेन चैन उस पिल को बनाने के लिए सभी एशियंट लेजेंडरी टेक्निक का यूज कर रहा होता है, जो देखकर जुओ क्वेन फैंग काफी हैरान होता है। दूसरी ओर लैंग फैमिली में लैंग पो लैंग फी फैंग पर काफी गुस्सा हो रहा होता है, और बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें एक आसान सा काम दिया था, बस क्वेन चैन को मारने का, और तुमसे अभी तक यह भी नहीं हुआ है। तभी लैंग फी फैंग बोलता है, क्वेन चैन को इस जगह पर पिल पवेलियन का सपोर्ट मिला हुआ है, इसीलिए उन लोगों को क्वेन चैन को मारने में काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। तभी लैंगपो बोलता है, मुझे पता है कि तुमने एल्डर सुबो को भी मारने की कोशिश की थी, तो उसी तरीके से क्वेन चैन को भी मार दो। यह सुनकर लैंग फिफेंग बोलता है, आपका मतलब पॉइजन का यूज करके? यह काम तो मेरे लिए काफी आसान है, मैं जल्द ही आपको गुड न्यूज दूंगा। और यह बोलता हुआ वह वहां से चला जाता है।
दूसरी ओर क्वीन चैन की वह पिल्स बनकर तैयार हो जाती है और यह ड्रैगन ब्लड किंग पिल होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कीमती माने जाते हैं। तभी क्वीन चैन एक पिल ज़ुओ क्वेनफेंग को देता हुआ बोलता है, आपने इस जगह पर इन पिल्स को रिफाइन करने में मेरी मदद की है, इसीलिए मैं थैंक्स के रूप में यह आपको देता हूँ। जो देखकर ज़ुओ क्वेनफेंग हिचकिचाते हैं क्योंकि उस एक पिल की भी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तभी क्वीन चैन बोलता है, अगर आपको जल्द से जल्द मार्शल किंग रैलम पर पहुंचना है तो आप इस पिल का यूज कर सकते हो। अब ज़ुओ क्वेनफेंग उस पिल को ले लेता है और बोलता है कि अब से वह क्वीन चैन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर खड़ा ज़ुओ क्वेनफेंग उस पिल को देख रहा होता है। वहीं उस कमरे के अंदर बैठा क्वीन चैन उस पिल को खाकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है जिस वजह से उसके बॉडी में क्रैक आने लगते हैं। तभी क्वीन चैन अपने पास से कई सारे स्पिरिट स्टोन निकालता हुआ उनकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है जिससे उस जगह पर उसकी बॉडी हील हो जाती है। वहीं उस पिल की वजह से क्वीन चैन के स्पिरिट सीड की भी पावर काफी तेजी से बढ़ रही होती है और अब क्वीन चैन ब्रेक थ्रू करके वनरेबल रैलम पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर लैंग फिफेंग अपने साथ क्वीन चैन को मारने के लिए एक पॉइजन मास्टर गोंग फेंग को लेकर आया होता है। अब गोंग फेंग अपने पास से एक स्पाइडर निकालते हुए बोलता है, यह मेरी 1000 स्पाइडर है जिसके अंदर कलरलेस पॉइजन पाया जाता है और यह इतना खतरनाक है कि इसके असर से कोई भी नहीं बच सकता है। यहाँ तक कि इसके पॉइजन से वनरेबल रैलम का मार्शल आर्टिस्ट भी एक झटके में मारा जा सकता है, जो सुनकर ली फिफेंग काफी खुश होता है। तभी गोंग फेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उस स्पाइडर के अंदर से पॉइजन को निकालकर उसे क्वीन चैन की ओर भेज देता है। अब वह पॉइजन एक स्पिरिट फॉर्म में पिल पवेलियन के अंदर एंटर कर जाता है और वह हर जगह क्वीन चैन को ढूंढने लगता है। वहीं वनरेबल रैलम पर पहुंचने के बाद क्वीन चैन के स्पिरिट आई की पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। दूसरी ओर वह पॉइजन क्वीन चैन को ढूंढता हुआ उस रूम तक पहुंच जाता है जिस रूम में क्वीन चैन बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसी रूम के बाहर खड़े मास्टर ज़ुओ क्वेनफेंग उस रूम को गार्ड कर रहे होते हैं, पर वह पॉइजन स्पिरिट काफी आसानी से ज़ुओ क्वेनफेंग को धोखा देते हुए उस रूम में एंटर कर जाती है और अब वह क्वीन चैन के सामने जाकर एक पॉइजन फॉर्मेशन से क्वीन चैन पर अटैक कर देती है। पर क्वीन चैन अपने स्पिरिट आय से उसे देख लेता है और उसी वक्त वह अपने मेंटल स्ट्रॉम की पावर का यूज करते हुए उस पॉइजन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर गोंग फेंग की हालत खराब हो जाती है। तभी क्वीन चैन गोंग फेंग और लैंग फी फेंग को अपने स्पिरिट आई की मदद से देख लेता है और काफी तेजी से उनकी ओर भागता है। अब क्वीन चैन को जाता हुआ देखकर मास्टर ज़ुओ क्वीन फेंग भी क्वीन चैन की ओर भागते हैं। वहीं गोंग फेंग क्वीन चैन को अपनी ओर आता हुआ देख लेता है और अब वह लैंग फी फेंग के साथ उस जगह से भाग जाता है। तभी ज़ुओ क्वीन फेंग क्वीन चैन के पास आता हुआ बोलता है, मास्टर क्या हुआ, आप इतनी जल्दी में इस जगह पर क्यों आए? क्वीन चैन उसे बताता है कि अभी मुझे पॉइजन देने की कोशिश की गई है। यह सुनते ही ज़ुओ क्वेनफेंग बोलता है, आखिर ऐसा करने की किसकी हिम्मत हुई? क्वीन चैन बोलता है, यह लैंग फैमिली के अलावा और कौन कर सकता है। और अब क्वीन चैन ज़ुओ क्वेनफेंग को वह पॉइजन दिखाता हुआ बोलता है कि यह कलरलेस पॉइजन है जिसके यूज से वनरेबल रैलम के पावरफुल से पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट को मारा जा सकता है। तभी मास्टर ज़ुओ क्वेनफेंग बोलते हैं, लैंग फैमिली का अब बस बहुत हुआ, मैं खुद लैंग फैमिली में जाकर उनसे इसका एक्सप्लेनेशन मांगूंगा। क्वीन चैन बोलता है, हमें जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, तो पहले चलकर इस बारे में डिस्कस करते हैं। अब क्वीन चैन मास्टर ज़ुओ क्वेनफेंग के साथ एल्डर सुबो, लिंगसान, क्वेंसू और हेनू को उस जगह पर बुलाता है, जिसके बाद वह एक साइलेंट फॉर्मेशन बनाते हुए मास्टर ज़ुओ क्वेनफेंग से बोलता है कि लैंग फैमिली के वह लोग मुझ पर अटैक करने के लिए मेरे काफी करीब पहुंच गए थे। इससे यह साबित होता है कि उन लोगों को मेरी करेक्ट लोकेशन पता थी और यह पिल पवेलियन के किसी पर्सन के अलावा उन्हें कोई और नहीं बता सकता है, तो आपके पिल पवेलियन में ही कोई गद्दार है। यह सुनते ही ज़ुओ क्वेनफेंग एल्डर सुबो को इस बारे में पता लगाने के लिए बोलते हैं। तभी क्वीन चैन बोलता है, मास्टर ज़ुओ क्वेनफेंग, जहां तक मुझे पता है लैंग फैमिली को सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसके पिल बिजनेस से होता है। अब ज़ुओ क्वेनफेंग क्वीन चैन को बताता है कि युआन फैमिली के डिस्ट्रॉय होने के बाद इंपीरियल सिटी के ज्यादातर अल्केमिस्ट ने लैंग फैमिली को ज्वाइन कर लिया।
जिस वजह से लैंग फैमिली के पास पिल बनाने के लिए अल्केमिस्ट की कोई भी कमी नहीं है। तभी क्वेंचैन बोलता है, तो इसका मतलब अगर इस जगह पर लैंग फैमिली के पिल्स बिकने बंद हो जाए तो उसकी 50% से ज्यादा पावर अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जुओ क्वेनफेंग बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा, पर लैंग फैमिली का बिजनेस पूरे डावी डायनेस्टी में फैला हुआ है और उसके पास इतने अल्केमिस्ट मौजूद है कि उन्हें कभी भी पिल्स की कमी नहीं पड़ती है, तो इस जगह पर उनके बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी क्वेंचैन बोलता है, मास्टर जुओ क्वेनफेंग, मुझे इस जगह पर आपकी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि डावी डायनेस्टी में जितने भी फिनिक्स ऑर्चिड मौजूद है आप वह सभी खरीद ले। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।